सी ने जिस तरीके से टीआरई वन में साफ सुथरा परीक्षा लिया, उसके बाद हर ओर बाहबाई हुई, परीक्षा फल भी आए और उसके बाद नियुक्ति पत्र दी गई, देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनके रिजल्ट नहीं आए और वो इंतजार कर रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने का, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी किया गया है, अभ्यर्थी असंतुष्ट है। आप पहुंचे बीपीएससी ऑफिस के बाहर और यहाँ देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। आप देखिए, हम कैमरा में दिखाने की कोशिश करेंगे कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं, अपनी अपनी समस्या को लेके पहुँचे हैं। लेकिन आप लोग यहाँ आए हैं, क्या हुआ? यहाँ पर कुछ डिसीजन नहीं मिला है हमको, कोई उचित राय विचार भी नहीं मिला है। मेरा 43 है और पहले मार्क्स में अगर OMR सीट से अगर मेरा चेक किया जाए तो मेरा 44 पुरता है, लेकिन फिर भी वो दिया 43, हम संतुष्ट थे उसका। ज़्यादा हम खिंचाच नहीं किए कि अगला रिमेट आएगा, रिमेट में भी मेरा चाहिए 43 में, और वो शो कर रहा है BC में 40 नंबर को। और अभी जब पूछने गए तो वहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, जो तुम लोग सीट पर कुछ और का बहाली किसी और का हो गया है, जो महिला का, तो महिला के सीट के लिए तो अलग है। तो महिला का आपकी जगह पे हो गया, वो तो कहता है यही बात, जो BC में महिला का है तो महिला को आ गया इसमें। आप एलिजिबल थे वहाँ पे? हाँ हाँ मैं। अच्छा, आपका क्या समस्या? देखिए, बात ये है कि BPSC TRE-1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकला है उसमें जो ये क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है क्वालिफाइंग मार्क्स तो रहा नहीं, यहाँ पर कट ऑफ जो जारी किए हैं ये 40 मार्क्स जारी किए हैं BC फीमेल यहाँ नहीं लिखा हुआ है, BC का लिखा हुआ है कि 40 मार्क्स जारी किए हैं। मेरा नंबर आया है, देखिए आप मेरा नंबर देख सकते हैं, मेरा 43 मार्क्स आया है, ठीक है 43 मार्क्स आया है, और यहाँ पे मिलने पर बोल रहे हैं कि ये BC फीमेल का कट ऑफ है। तो जो BC फीमेल का जहाँ तक बात है, तो BC फीमेल जो 39 तक जहाँ तक था वहाँ पर तो पहले फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि जब 39 वहाँ पर लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल फॉर फीमेल, तो 39 मार्क्स था वहाँ पर, तो फाइनल है कि वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया, वहाँ पर लड़की अवेलेबल नहीं है, कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जो हम लोग का जो कट ऑफ जारी किया वो 40 मार्क्स जारी किया, ये हम लोग का जारी किया है, ठीक है, BC कैंडिडेट का जारी किया है। तो यहाँ पर BC का जो यहाँ पर 43 मार्क्स आया है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? मेरा वो लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, ठीक है, रोल नंबर नाम नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, यानी कि अलग अलग जिले से। भैया आप कहाँ से आए? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। समस्या यही है? हाँ, समस्या मेरा भी वही है, जो अभी BC का जो कट ऑफ जारी किया गया है, वो BC का जो कट ऑफ जारी किया गया है ना, वो 40 मार्क्स है और मेरा 43 है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं है। देखिए, मेरा 43 है और क्वालिफाइंग पेपर में 60 मार्क्स है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं है। यहाँ पर मिलने क्यों आए हैं? यहाँ पर इसीलिए आए हैं, जो कट ऑफ अगर 40 है तो मेरा 43 मार्क्स है, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं है, हम यही जानना चाहते हैं। कैंडिडेट्स के उम्मीद बहुत ज़्यादा थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बहुत सारे अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा था कि वो पहले जिन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई वो लोग बचे हुए थे। तो कट ऑफ जारी होने के बाद इन लोगों को काफ़ी उम्मीद था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब BPSC कार्यालय के बाहर आए हुए हैं क्योंकि बॉस BC का जो कट ऑफ जारी किया गया आयोग की ओर से वो 40 है, और जो कैंडिडेट्स यहाँ आए हैं किन्हीं के 43 है, किन्हीं के 44 है। तो इस तरीके से कई सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं और BPSC कार्यालय के बाहर आए हैं कि समस्या का समाधान होगा, लेकिन यहाँ भी समाधान नहीं मिल रहा है। निराश होकर वापस लौट रहे हैं कि ये अभ्यर्थी करे तो क्या करे। बने रहे कशिश के साथ, पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।